सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस लॉरेंस बिश्नोई से लंबे समय से पूछताछ हो रही है, अब पुलिस ने उसे इस मामले का मास्टरमाइंड बता दिया। ये भी जानकारी दी गई है कि इस हत्याकांड में अभी तक 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और आगे की जाँच की जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस बात को पर भी जोर दिया कि मूसेवाला की हत्या की तैयारी काफी पहले कर ली गई थी और रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें लॉरेंस बिश्नोई मुख्य आरोपी निकलकर सामने आया। वहीं दूसरी तरफ सिद्धेश हिरामल की भी केस में सक्रिय भूमिका निभाने की खबर सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तार से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बारे में बताया गया। जानकारी दी गई कि इस वारदात को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरुआत से ही अहम भूमिका निभाई। मिट्ठू खेड़ा वाले दो शूटरों को भी उन्होंने ही पकड़ा। जांच के दौरान जब विकास महले का नाम सामने आया तो उनकी गिरफ्तारी भी दिल्ली पुलिस ने ही की थी। वहीं मूसेवाला हत्याकांड में जिन भी आरोपियों के नाम सामने आए उनमें से एक सिंगर का काफी करीबी बताया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो पहले साथ में गोली भी चलाया करते थे। ऐसे में दोनों एक दूसरे से पहले से जानते थे। अभी के लिए दिल्ली पुलिस मानकर चल रही है कि महाकाल उर्फ सिद्धेश हिरामल की गिरफ्तारी से इस मामले में कई कड़ियां साफ हो सकती है। लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ के दौरान जो खुलासे कर रहा है उसमें दम भी है। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।